हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग, और मैं हूँ एकता चौधरी। तो गाइस, मेरे जाने की हो गई है तैयारी, क्योंकि अभी देखो ज्योति सब सामान लेके आई है, क्योंकि मेरे है कल विदाई, यानी कि मैं जाने वाली हूँ गुजरात। तो इसलिए सब अभी से ही सब तैयारी हो रही है, क्योंकि क्या क्या मुझे देना है वो सब ज्योति लेके आई है। क्योंकि मम्मी के साथ कल बाज़ार गई थी, इस बार जो मुझे साड़ी या सूट मिलेगा वो ज्योति की पसंद से मिलेगा, क्योंकि वो लेके आई है। और ये कपड़े जो ज्योति लेके आई है वो मुझे मतलब मेरे चाचा के यहाँ से मिले हैं, मुझे और सपना को दोनों को, क्योंकि मेरी जो चाचा की छोटी बहू है उसको बेटा हुआ है और उसकी शादी का अभी मैं कुछ लेके नहीं गई थी, तो इसलिए ये सब आया है। तो ये साड़ी हैं दो, एक मेरी है और एक सपना की साड़ी है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर लड़कियाँ अपने भाई की शादी में साड़ी या कपड़े देती हैं तो वो वापस करने होते हैं उनके ऊपर, आपको अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से साड़ी या सूट देना होता है। तो वही सब हम लोगों का मतलब मिला हमको, तो ये दो सूट थे, दो थी। तो मैंने सूट दोनों सपना को दे दी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सूट इस बार हो चुके थे, मम्मी ने भी मुझे दिया। तो और सपना क्या स्कूल जाती है तो वो सूट ज़्यादा पहनती है, साड़ी कम पहनती है। तो दोनों सूट मैं सपना को दूंगी और साड़ी मैं रखूंगी। तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं यहाँ गुजरात पहुँच जाऊंगी उसके बाद, अभी तो बस मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। और दो जोड़ी कपड़े थे, एक सपना के हस्बैंड के थे, एक मेरे थे, क्योंकि तो कपड़े हैं तो उन पे हम लोगों के जो कपड़े हैं उन पे हस्बैंड के कपड़े लगा के हम लोगों के यहाँ चलता है, तो वो सब है। और ये सब मेरे चाचा के यहाँ से मुझे और सपना को मिला है। मम्मी ने जो मुझे दिया है वो मैं आपको गुजरात जाने के बाद दिखाऊंगी। तो ये सब ज्योति देने आई, क्योंकि मैं कल जाने वाली हूँ। कुछ बोल लो तो सही। क्या बोलूं? ये हमारा सिवांश है, और ये और ये छोटी बहन है, और ये हमारी ब्लॉगर है। छोटे वाले पहले बनना, ये रह के मामा खिलाए। गुड डांस डांस आज हम जा रहे हैं सरोजनी शॉपिंग करने के लिए, और हम सारा दिन आज घूमेंगे, उसके बाद हमारी दीदी चली जाएंगी गुजरात। ज्योति, आई एम ज्योति, बोंजो, हेलो, कोमो सावा, हाउ आर यू? सावा भिया, आई एम फाइन, आई होप यू विल बी फाइन। जेस्पेर बुजलेविया, तो बिल्कुल ही समझ में ना आए ना अपने को, तो बिल्कुल डिफरेंट है ना, इंग्लिश से भी अलग लग रही है। बढ़िया। और यहाँ खाना रेडी होता हुआ, खाना जा रहा है गुजरात। अच्छा ले बेटे, ले फोन लेना, ला मेरा फोन दे। तो खाना कैसा लग रहा है गुजरात जाते हुए? हाय करो, हाय बहन, मिल जुल ले अपनी मम्मी से, मम्मी से जा रहा है कहां लेके जा। और ये खाना की मम्मी छोड़ने जा रही है खाना को दिल्ली। मां बुढ़िया आगे मरमरा रही है, ये खाना के मामू, ये खाना का भाई, ये कान्हा की नानी, ये इमोशनल मोमेंट चलता हुआ। और यहाँ ताई जी हो गई हैं इमोशनल। कोई बात नहीं, जल्दी मिलेंगे। और ये है फेयर लवली का कमाल। और गाइज, हम लोग पहुंचने वाले हैं दिल्ली। इस बार में हम चारों भाई बहन साथ में आए, क्योंकि भाई बहन दोनों छोड़ने आए हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन, क्योंकि सपना को हमने गाज़ियाबाद छोड़ दिया था, और उसके बाद हमारे भाई ने छोड़ा है मेट्रो स्टेशन, पंकज हम लोगों को छोड़ दिया था, क्योंकि हम मेट्रो से ही जाएंगे सरोजनी मार्केट। और मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं पहली बार सरोजनी मार्केट जाऊँगी, क्योंकि ज्योति पहली एक बार होके आ चुकी है, तो उसको आइडिया है कैसे जाना है। और वैसे भी उतना मतलब आती जाती है तो उसको सब आइडिया है। तो यहाँ पे हम मेट्रो स्टेशन पे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सरोजनी के लिए दो मेट्रो में जाना पड़ेगा, यानी कि मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी।
तो यहाँ से हम बैठेंगे मेट्रो में, और इसके बाद हम इसको इससे छोड़ने के बाद दूसरी वाली हम चेंज करेंगे मेट्रो स्टेशन, क्योंकि सरोजनी काफ़ी दूर है और जाने में ही करीबन मेरे हिसाब से जो मेरा आइडिया था हमें 1 घंटा लग गया था जाने से। हम लोग वैशाली मेट्रो स्टेशन से बैठे थे, इतनी दूर है। तो कभी कभी मुझे लग रहा था कि शायद मैंने आज सरोजनी जाने का जो मेरा फ़ैसला था वो मैंने गलत लिया है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था और मेरी ट्रेन भी थी। और अभी है वो रात दोपहर का टाइम, तो सारी मेट्रो खाली है। क्योंकि क्या होता है, अब सुबह और शाम को अगर जाते हो मेट्रो से तो आपको रश मिलेगा, क्योंकि सुबह ऑफिस का होता है और शाम को ऑफिस की छुट्टी होती है, सुबह जाना होता है, तो दोनों टाइम में बहुत आपको रश मिलेगा। पर दोपहर में जो है आपको बहुत मतलब भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगी, मतलब कम मिलेगी, ज़्यादा लोग नहीं थे। पर अब उधर से हम आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कितनी भीड़ होती है। और हम पहुंच गए हैं सरोजनी मार्केट। तो ये मेरा पहली बार मैं आई हूँ, मुझे कोई आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखो, पर यहाँ आते आते बज गए थे हम लोग को 3:30, और अब मेरी शाम को ट्रेन भी है, समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे हमारे पास है, तो हम क्या यहाँ से खरीद लें। पहले देखो कर दो, आप पैसे बंद कर दो, है ना, तो आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, तो वही सब समझ में नहीं आ रहा था। तो ज्योति ने पहले ली ट्रॉली, क्योंकि वो उसको उसके पास सामान इस बार ज़्यादा हो गया था, तो उसको ट्रॉली लेना था, और उसने यहाँ से ट्रॉली खरीदी। क्योंकि जहाँ पे आप बार्गनिंग कर सकते हो वहाँ यहाँ कर सकते हो, बाकी ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप बार्गनिंग करो। क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो टैग लगा था ये 250 रुपये का, यहाँ इन्होंने ऊपर टैग लगाया था, तो फिक्स था, आपको पसंद आए तो लो या ना लो। जैसे चप्पलें थी ये भी बहुत अच्छी थी, पर यहाँ पे भी फिक्स टैग लगा था 200 से लेके 300 तक की। यहाँ पे जूतियाँ थी जो पंजाबी जूती होती हैं, वो यहाँ पे बार्गनिंग बहुत होती है, पर सब चीज़ों पे बार्गनिंग नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉस्मेटिक की बहुत अच्छी थी, पर मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि ओरिजिनल है या लोकल है। तो मैंने सिर्फ नेल्स लिए, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जो मेरे पास सामान है बाद में। तो यहाँ से मैंने नेल्स और आई लिड खरीदी थी, और आई शैडो पैलेट भी बहुत अच्छे अच्छे थे, पर वो सब देखना पड़ता है, टाइम आपके पास होना चाहिए, टाइम बिल्कुल नहीं था। और ये मतलब अगर आपको इस तरह के कपड़े लगे हुए मिले तो उन पर फिक्स रेट होता है। और गाइज हमें बज गए थे आते आते शाम के, बज गए 6:30, हम लोग वापस आ गए हैं फिर मेट्रो पे, और मतलब मार्केट में बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। और देखो अब मैं भी आपको दिखाऊंगी, इस टाइम इतनी भीड़ है, क्योंकि 6 बजे ऑफिस सब लोगों का छूटता है, तो उस टाइम मेट्रो में आपको बैठने के लिए भी बहुत मुश्किल से जगह मिलती है। और यहाँ पे मेरा भाई वैशाली आ चुका था, मुझे आते आते 1 घंटा लगा, तो यहाँ पे हम लोगों को बज गए थे 7:30, और सपना के रूम पे जाते जाते मुझे 8:30 बज जाएंगे। और मतलब मुझे टेंशन ज़्यादा थी इस टाइम, अगर मेरी ट्रेन मिस हो गई तो मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है, तो मुझे घबराहट हो रही थी कि किसी तरह मैं स्टेशन पहुंच जाऊं, किसी तरह स्टेशन पहुंच जाऊं, क्योंकि अगर ट्रेन छूट गई तो फिर दिक्कत होने वाली है। और मैं पहुंच गई हूँ सपना के घर, बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ, कुछ अच्छे से सूट नहीं हो पाया, पर जो भी है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरी सिस्टर का घर, तो गाइस मेरी सिस्टर का घर मैं आपको कभी अच्छे से टूर कराऊँगी, क्योंकि उसका गाज़ियाबाद में अपना खुद का घर है, घर बहुत अच्छा था, पर टाइम बिल्कुल भी नहीं था, हम लोगों को भी खाना था, तो बहुत जल्दी थी, क्योंकि सपना के रूम पे ही मुझे 8:30 बज चुके थे। बस मुझे ये था मैं किसी तरह स्टेशन पे जाके ट्रेन पकड़ लूँ। तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ अब सुबह, बीच में मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत टेंशन है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहा सुबह का टाइम, यानी कि बज रहे हैं 6, और मैं हूँ ट्रेन में। काना भी अभी सो रहा है, तो मैं जा रही हूँ वापस गुजरात, जैसा कि आपको मैंने बताया। और मैंने अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग का एंड कर दूँ, क्योंकि तो कल मेरी आपसे बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। और
जैसा कि कल मैं और मेरी सिस्टर गए थे सरोजनी, हालांकि उस टाइम जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मेरी ट्रेन भी थी और मुझे सरोजनी जहाँ सरोजनी था और जहाँ से मैंने ट्रेन ली है वहाँ का बहुत गैप था, पर हम लोग गए क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो आपको मालूम ही है कि वो बाहर रहती है तो उसको भी कुछ अपना सा सामान लेना था। तो हम लोगों ने कल सरोजनी में मतलब मार्केटिंग की तो बहुत जल्दबाजी की, टाइम बिल्कुल भी कम था, 2 घंटे में कुछ नहीं ले पाए, जितना हुआ उतना ही हम लोगों ने लिया, 2 घंटे में जितना हो सका हम लोगों ने उतना लिया क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम मैं लगाती तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती जबकि मुझे अपनी ट्रेन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी थी। और प्लानिंग हमारी ये थी कि हम घर से एक दिन पहले मार्केट मतलब सरोजनी आएंगे, पर घर से नहीं आया गया क्योंकि घर से दिल्ली आने के लिए भी सोचना पड़ता है, मेरे यहाँ से दिल्ली के लिए 5 से 6 घंटे लग जाते हैं और इतना टाइम था नहीं किसी के पास, तो बहुत जल्दबाजी हम लोगों ने की। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलती हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी और मैं ट्रेन है वो दिन में है 12 बजे पहुँचेगी अंकलेश्वर, मैं तभी उतरूँगी और अभी टाइम जो है सुबह के 6 बज रहे हैं इसीलिए मैं बात कर रही हूँ आपसे क्योंकि खाना सो रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।